नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान का प्रिय भक्त। एक बार नारद मुनि को घमंड हो गया कि जितने निस्वार्थ भाव से भगवान की शक्ति वह करते हैं, उतना शायद ही अन्य कोई करता होगा। अन्य लोगों का उद्देश्य तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करना होता है। भगवान ने नारद के मन की बात भाप ली और वे नारद से बोले, मेरा एक प्रिय भक्त अमुक स्थान पर रहता है, यदि तुम उससे मिलो तो तुम्हारा उससे परिचय हो जाएगा। नारद जी जब निर्दिष्ट स्थान पर गए तो वहाँ उन्हें एक किसान दिखाई दिया। वे उससे मिले और उसके पूरे दिन का अवलोकन करने लगे। नारद ने देखा कि उस किसान ने हरि नाम लिया और वह हल लेकर खेत में जुट गया। वह दिन भर काम करता रहा और रात्रि में सोने से पूर्व एक बार फिर हरि का नाम लेकर सो गया। यह देखकर नारद सोचने लगे, इस गंवार किसान ने दिन में सिर्फ दो बार भगवान का नाम लिया और प्रभु कहते हैं कि यह मेरा प्रिय भक्त है, यह तो मुझे सांसारिक कर्मों में ही लिप्त दिखाई दिया। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए और उन्होंने उस किसान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस पर भगवान बोले, नारद अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा एक काम है। तुम तेल भरे इस कटोरे को लेकर नगर में चारों ओर घूमकर ज्यों का त्यों ले आओ। ध्यान रहे इसकी एक बूंद भी धरती पर गिरने ना पाए। नारद जी जब लौटकर आए तब भगवान ने पूछा, नारद जी जरा बतलाओ तो, तुम जब परिक्रमा कर रहे थे तब तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया था? नारद जी ने उत्तर दिया, एक बार भी नहीं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तेल के कटोरे की ओर लगा हुआ था। इस पर भगवान बोले, देखो तेल से भरे एक कटोरे ने तुम्हें मुझसे विमुख कर दिया, जबकि यह किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी नियमित रूप से दो बार मेरा स्मरण करता है, क्या वह मेरा प्रिय भक्त नहीं हुआ? यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए। निरंतर सत्कर्म वही करता है जिसके मन में प्रभु विराजते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।